आपने सबसे पहले इस फॉर्म ये इस वेबसाइट में आ जाना है। तो आपने यहाँ से अपना फॉर्म फिल करना है, ये पूरा आपने पढ़ लेना है एक बार। पढ़ने के बाद यहाँ पर आपने टिक करना है, करने के बाद नेक्स्ट को क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके पास सामने शो होगा। यहाँ आपने ईमेल एड्रेस अपना कंफर्म ईमेल करने के बाद आपने ये कोड जो लिखा हुआ है ये करना है। करने के बाद आपने जो आपका आएगा आपने नेक्स्ट करना है। इस तरह करके आपने फॉर्म पूरा फिल कर लेना है और बाद में इसका आपने एक प्रिंट रख लेना अपने पास। हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है रोमानिया के अंदर विजिट वीज़ा हम कैसे ले सकते हैं, रोमानिया का विजिट वीज़े के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्या हम रोमानिया के विजिट वीज़े से वर्क वीज़ा ले सकते हैं, रोमानिया के बारे में मुकम्मल डिटेल्स, ये यूरोपीय यूनियन की कंट्री है, ये शेंजिंग जोन के अंदर कब आ रही है, इन सब टॉपिक्स पर बात करेंगे। इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे और इसके जो प्रोसेसिंग टाइम है, इसकी वीज़ा फ़ीस के बारे में, सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम है अहमद, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल DAhmad0490। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं आपको इस चैनल के ऊपर ट्रैवलिंग के बारे में, डिफरेंट कंट्रीज़ के वीज़ाज़ के बारे में आपको मुकम्मल डिटेल्स, आपको इन्फॉर्मेशन फ्राहम करूँगा। आप कहीं भी बैठ के, आप इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, नेपाल से हो, श्रीलंका से हो, पाकिस्तान से हो, आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मेरी इस वीडियो देखने के बाद आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आपने कैसा है। आप रोमानिया के अंदर जाकर जॉब भी आप कर सकते हो। अपना जो रोमानिया का जो विजिट वीज़ा वो सी टाइप वीज़ा होता है, तो बाद में वो डी टाइप, जिसे शॉर्ट टर्म वीज़ा बोलते हैं, डी टाइप वीज़ा भी आप ले सकते हो, वर्क वीज़ा भी ले सकते हो। आपको एक चीज़ यहाँ पर जो बताता चलो, रोमानिया यूरोपीय यूनियन की कंट्री है लेकिन ये शेंजिंग जोन के अंदर नहीं आई। शेंजिंग जोन की 27 कंट्रीज हैं। तो ये नेक्स्ट ईयर, तो जो भाई जो वेट कर रहे हैं कि हम यूरोप में कैसे जाएं, रोमानिया इस वक्त अगर मैं बताऊं को आपको, एक बेस्ट चांस है। आप जाएं, जाकर रोमानिया के अंदर वर्क वीज़ा लेने के बाद, जैसे ही आप ये शेंजिंग जोन के अंदर चली जाएगी, ये कंट्री शेंजिंग जोन की या शेंजिंग एरिया के अंदर आ जाएगी, यानी 28 कंट्रीज़ में, जब ये जब रोमानिया उसमें ऐड हो जाएगी 27 कंट्रीज़ में, तब आप यूरोप की किसी दूसरी कंट्री में बहुत इजीली, बहुत आसानी से मूव हो सकते हैं। आप मेरी ये वीडियो देखने के बाद आपने ज़रूर अप्लाई करना है अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं। बहुत सारे भाई हैं जो पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, मुख्तलिफ कंट्री से हैं, दुबई में, सऊदी में बैठे हुए हैं, जो मेरी ये इस वक्त वीडियोज़ देख रहे हैं, तो वो हो सकता है वो मलेशिया में हों या किसी दूसरी, या आप किसी भी कंट्री में आप फ़र्ज़ कर लें वो बैठे हैं, वो जाना चाहते हैं, यूरोप के ख्वाहिशमंद हैं, तो ये उनके लिए वीडियो है। ये इसमें पूरी डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। तो ये नेक्स्ट ईयर ये ऐड होगी, आप साथ में स्क्रीन पर ये देख भी सकते हैं जो उन्होंने कमिंग सोन जो उन्होंने ऐड करनी है ये। तो कहने से मुराद ये कि आप रोमानिया के अंदर जाएं, जाने के बाद अपना वर्क वीज़ा ले लें, वर्क वीज़ा मिल जाता है वहाँ पर बहुत आसानी से। लेने के बाद आप बहुत इजी वे से आप यूरोप में जा सकते हैं, जैसे ये शेंजिंग जोन में आएगी, नेक्स्ट ईयर में आ जाएगी। ठीक है, लगभग आपके पास 6 से 7 मंथ हैं, तो आप ये अगर अप्लाई करेंगे, रोमानिया का इस वक्त इजी है, लेकिन जैसे ही ये शेंजिंग जोन के अंदर ये कंट्री आ जाएगी, तब रोमानिया का वीज़ा जो है वो आसानी से नहीं मिलेगा, बहुत टफ हो जाएगा, सेम लाइक यूरोप का वीज़े की तरह। ठीक है, तो इसके मैं आपको विजिट वीज़े के ऊपर बताऊँगा कि विजिट वीज़ा हम कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी फ़ीस के बारे में बताता हूँ। जो रोमानिया के जो इस वक्त विजिट वीज़े सी टाइप वीज़े की फ़ीस है, शॉर्ट टर्म वीज़ा, टूरिस्ट वीज़े की जो फ़ीस है वो है 80 यूरो। अगर हमारी जो एज है वो 12 साल से कम है किसी की, हमारे बच्चा हो या हमारा भाई हो या कोई भी हो हमारा, जिसकी एज 12 साल से कम है, उसकी है 40 यूरो। अगर 12 साल से ऊपर होगी, उसकी जो वीज़ा फ़ीस है वो 80 यूरो है। अगर इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात किया जाए, तो सबसे पहले आपको वैलिड पासपोर्ट चाहिए। ठीक है, वैलिडिटी जो आपके पासपोर्ट की है, तो 90 डेज़ तक हम वहाँ पर रह सकते हैं। तो 90 डेज़ के बाद हमें या तो वीज़ा कन्वर्ट करवाना होगा विजिट वीज़े से वर्क वीज़ा, या बिजनेस वीज़ा, या किस तरह रेजिडेंसी कोई भी वीज़ा लेना होगा, नहीं तो हमें वापस आना होगा। लेकिन वहाँ पर वर्क वीज़ा मिल जाता है तो मोस्टली भाई वर्क वीज़ा वहाँ पर जाकर ले लेंगे। तो कहने से मुराद ये है कि आपने जो आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी है वो 1 साल से ऊपर रखनी है। आपने कोशिश करना है आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी 1 साल से ऊपर हो। ओके, अब आपको जो नेक्स्ट सेकंड डॉक्यूमेंट्स है वो आपने अपने 2 से 3 फोटोज़ लेनी है, आपने अपने पास रखनी है वाइट बैकग्राउंड के साथ, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होनी चाहिए, ये आपने अपने साथ अपने डॉक्यूमेंट्स लिस्ट में ऐड कर लेनी है। करने के बाद अब आपने ट्रैवल इंश्योरेंस करवानी है। ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो 30,000 यूरो की करवानी है।
तो इससे मुड़ा ये है कि आपने अपनी कंट्रीज के अंदर ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में जाना है, वहाँ पर उन्हें बोलना है अपनी कंट्री, अगर पाकिस्तान से हो तो 10-15 हज़ार है, इस तरह इंडियन भाई अपनी करेंसी में इस तरह देख सकते हैं। तो इतने 10 से 15 हज़ार में आपको ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस का एक आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो अपने साथ में अटैच कर देना। ओके, इसके बाद आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए आपका, अगर आप मैरिज हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए आपका। इसके अलावा आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, बैंक स्टेटमेंट जो आपकी 3 मंथ की भी चलती है, 6 मंथ की भी चलती है, लेकिन कोशिश करें आप 6 मंथ की लगाएं। आप बताएं बैंक स्टेटमेंट में कि आपको ये फ़ंड किधर से मिला, आप जॉब करते हैं तो जॉब के बारे में सैलरी स्लिप वगैरह, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, तो आप टैक्स पे करते हैं बिज़नेस में तो वगैरह, इस तरह के ना अपने साथ में डॉक्यूमेंट्स साथ में अटैच करने हैं, ठीक है। तो अगर आपको फ़ंड मिला है आपके भाई ने या आपके किसी दोस्त ने या आपके किसी सिस्टर ने या ब्रदर ने आपको फ़ंड दिया है, आपने उसके बारे में मुकम्मल डिटेल्स देनी है कि ये मेरे भाई के पास यहाँ से फ़ंड आया तो उसने मुझे दिया कि मैं रोमानिया का, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं रोमानिया जाना चाहता हूँ, तो इस तरह करके आप वो जा सकते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए PCC पुलिस क्रेडिट या पुलिस क्रिमिनल सर्टिफिकेट, जो आप जो जिस सिटी से आप हो वहाँ के आपने पुलिस स्टेशन में जाना है तो आपको मिल जाएगा कि क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, तो वो अपने साथ में डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है। इसके अलावा आपको होटल बुकिंग चाहिए, जाहिर बात है आप जा रहे हैं रोमानिया में तो वो आपको कहीं ना कहीं तो ठहरेंगे, तो उसका आपने होटल बुकिंग दिखानी है, अपने फ्लाइट रिजर्वेशन दिखानी है, अपने रिटर्न टिकट्स भी दिखानी है, फ्लाइट टिकट्स रिजर्वेशन दिखा दें तो ज़्यादा अच्छा है, तो इस तरह रिटर्न टिकट्स भी आपने दिखानी है। तो आपके जो वीज़े की जो जान है ना वो आ जाएगी वीज़े में, तो वो आपको जो वीज़ा लगने के जो चांसेस हैं वो और बढ़ जाएंगे। तो इसके अलावा अगर बात की जाए कि रोमानिया के जो प्रोसेसिंग टाइम क्या है, जो इस वक्त जो प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है वो 15 टू कुछ कुछ भाइयों को तो 10 दिन में भी वीज़ा मिल जाता है, आपको भी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत स्पीड से अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, आपको एडवांस थोड़ा चलना पड़ेगा तब आपका ये हो जाएगा। तो इस तरह 10 से लेकर आप कह सकते हैं 10 to 30 days, अगर बहुत वर्कलोड ज़्यादा भी हो तो 60 डेज से अप नहीं जाएगा, आपको 60 डेज के अंदर, या आप कह मैं आपको कह सकता हूँ कि मैंने बहुत सारे भाई हैं जो जिनके बारे में जानता हूँ जो उन्होंने 10 दिन के अंदर वीज़ा लिया, वीज़ा 10 से 15 दिन के अंदर लिया, कुछ भाइयों ने 10 से 20 दिन के अंदर लिया, तो आप भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह अगर मैंने आपको इस वीडियो में इसके रोमानिया के बारे में बता दिया, रोमानिया के अंदर जो है वो यूरो नहीं चलता लेकिन रोमानिया की अपनी करेंसी है रोमानिया, तो वो चलती है। तो इस तरह आपको मैंने बेनिफिट्स के बारे में अगर बात की जाए तो वहाँ पर आप वर्क वीज़ा ले सकते हो, अपनी फैमिली को बुला सकते हो, आप वहाँ पर बिजनेस कर सकते हो ऐसा विजिट विजिट के ऊपर जाकर, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं कोशिश करूँगा आपको जल्द से जल्द जवाब दूँ। और अगर आपको पर्सनली पूछना चाहते हो इंस्टाग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब बहुत सारे भाई सोच रहे होंगे कि हमें भाई आपने सब बता दिया, बेनिफिट्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में, रिक्वायरमेंट्स के बारे में, प्रोसेस के बारे में, वीज़ा फीस के बारे में, लेकिन आपने ये नहीं बताया कैसे अप्लाई करना है। तो मैं आपको बता दूं, आपको इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको दिखाया था कि वो फॉर्म आपने फिल करना होता है, उस फॉर्म को फिल करने के बाद आपने उसका प्रिंट लेना होता है, लेने के बाद आपने उस डॉक्यूमेंट्स को साथ में अटैच करना है, और जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बोले हैं इसको साथ में अटैच करना है, अटैच करने के बाद आपने पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मैसी है रोमानिया की, इस तरह इंडिया में न्यू दिल्ली में है, इसी तरह बांग्लादेश में भी है, इसी तरह नेपाल में भी है, आपने अपने डॉक्यूमेंट सारे लेने हैं और वहाँ पर जाके अम्बेसी में जमा करा देने हैं रोमानिया की। तो जैसे आप डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएंगे वो आपसे फ़ीस लेंगे, आपने उन्हें फ़ीस देनी है और आपने वेट करना है 10 से 15 दिन का, तो कोशिश 10 से 30 दिन के अंदर भी हो सकता है, तो इस तरह आपको वीज़ा लग के आ जाएगा। तो वीज़ा लेने के बाद आप बिल्कुल आसानी से रोमानिया में जाएँ, जाकर वहाँ पर स्टे करें, क्योंकि नेक्स्ट ईयर रोमानिया जो है वो शेंगेन जोन में आ जाएगा, तो उसके बाद आप पुर्तगाल, इटली, फ्रांस, इस तरह की कंट्रीज़ में जा सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो इतनी ही, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप वीडियो लाइक करेंगे तो बहुत सारे भाइयों का फ़ायदा होगा, बहुत सारे भाई जो है अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि हो सकता है कोई भाई मेरी वीडियो का इंतजार कर रहा हो, कोई सोच रहा हो कि इस तरह की कोई वीडियो मिल जाए जो उसका फ़ायदा हो सके, तो आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। एंड वीडियो के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आपने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना है, अगर आप इस वीडियो के ऊपर अगर आप 3000 लाइक कर देते हैं तो मैं आप जो कमेंट्स में आपने अपना नाम और अपना अपनी अपनी कंट्री का नाम आपने लिखना है, तो इस तरह मैं वो पिक करूंगा जो ज़्यादा जो जिसकी
लक निकला या जिसका जो भी है उसका वीज़ा की जो फीस है मैं खुद अपनी जेब से अपनी पॉकेट से उसे अदा करूँगा अगर इस वीडियो के ऊपर 3000 लाइक हो गए। ठीक है, तो इस तरह आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा वीज़ाज़ के बारे में, ट्रैवलिंग के बारे में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, अपने दोस्त अहमद को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, भूलना मत।